भारत चावल निर्यात पर लगे प्रतिबंध के बावजूद मलेशिया को 2 लाख टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा। मलेशिया के प्लांटेशन और कमोडिटीज मंत्री दत्तुक सेरी जोहरी अब्दुल गनी ने चावल की आपूर्ति के लिए भारत से आग्रह किया था, जिसके बाद भारत नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के जरिए मलेशिया को चावल बेचेगा। भारत ने घरेलू बाजार में चावल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए जुलाई 2023 में गैर बासमती चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि प्रतिबंध के बावजूद मलेशिया को चावल का निर्यात किया जाएगा। मलेशिया को चावल निर्यात की घोषणा जब की गई तो मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत में ही थे। इब्राहिम 19 से 21 अगस्त तक भारत के स्टेट विजिट पर थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हुए। भारत के प्रमुख चावल खरीददार को चावल की नई खेप से बड़ी राहत मिलेगी।